अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको अपने टेरेस गार्डन का पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और चलिए हम लोग चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्पाइडर का प्लांट से यहाँ पे दो लगे हुए हैं, देख सकते हैं। और भी यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, ये भी स्पाइडर का है। और ये कोलस के पत्ते लगे हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। और यहाँ पे भी देखिए गुलदाउदी के फ्लावर्स है जिसमें कलियाँ हैं। और इस तरफ ये परसुलेन लगा हुआ है, ये गुलदाउदी है, इनमें भी कलियाँ आई हुई है, ये अभी खिले हुए नहीं हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ वाइट कलर के परसुलेन लगे हुए हैं। यहाँ मिनिएचर रोज़ है जो अभी, जिनमें अभी कलियाँ आई हुई है। ये कैलेंचो का एक पौधा है। इधर भी गुलाब के फूल है जिन इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। और देख सकते हैं इस तरफ 9 o'clock बहुत सारे हर कलर में लगे हुए हैं, इनमें अभी बहुत कम फूल है। यहाँ पे भी एक जोरा का प्लांट लगा हुआ है एक गमले में। और यहाँ पे लगे हुए हैं, ये चाइना गुलाब है जो कि फूल बंच में आते हैं, इसमें कलियाँ बंच में लगती है। यहाँ गुलदाउदी है येलो कलर की, पर्पल कलर की, डबल कलर में है, ये रेड कलर में है, वाइट में है, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये गुलदाउदी। ये विंटर सीज़न में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं, ये हिबिस्कस का मेरा प्लांट है, इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं जो कि अभी नहीं आए हुए। ये मेरा अमरूद का छोटा सा पौधा है जो कि छोटे से गमले में लगा हुआ है। और देख सकते हैं आप, फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। ये मेरा वाइट कलर का रोज़ का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं इसमें। ये मैं छोटे साइज़ के मेरी गोल्ड, ये फर्स्ट लव का प्लांट है, इसमें अभी फ्लावर्स नहीं आए हुए हैं। ये भी मेरा मेरी गोल्ड का प्लांट है। यहाँ भी मेरी गोल्ड के, ऑरेंज कलर के मेरी गोल्ड के प्लांट्स लगे हुए हैं। ये छोटे साइज़ के येलो कलर के मेरी गोल्ड है, ये बड़े साइज़ का है ऑरेंज कलर का जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और आइए देखिए, ये मेरा वाइट कलर का और एक रोज़ का प्लांट है, इसमें अभी कलियां आ रही हैं और बाकी जो फूल है वो मुरझाए हैं। ये छोटे साइज़ के मेरी गोल्ड लगे हुए हैं। ये सदाबहार का प्लांट है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये हमारा टेरेस गार्डन है छोटा सा। और इस तरफ भी बहुत सारे गुलदाउदी लगे हुए हैं, अभी भी विंटर सीजन में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ मेरी गोल्ड है डबल कलर में, ये भी गुलदाउदी है, ये भी गुलदाउदी है। देखिए ये मेरा डक प्लांटर है जो कि मैंने अपने हाथों से बनाया था। और यहाँ भी परसुलेन मैंने लगाए हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे दिखते हैं। अभी गुलदाउदी सब में कलियाँ आई हुई है, अभी फ्लावर्स खिलने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन खिलने के बाद ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। यहाँ पे मेरा एक रेड रोज़ प्लांट है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है। और यहाँ डबल कलर में भी एक रोज़ प्लांट है जो भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये करिया पत्ता का एक पौधा है। यहाँ हिबिस्कस के प्लांट लगे हुए हैं, इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं पर अभी नहीं आए हुए हैं। ये भी मेरा डबल कलर में रेड रोज़ लगा हुआ है बट अभी इनमें सिर्फ कलियाँ आई हुई, ये खिले हुए नहीं। खिलने के बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ ऑरेंज कलर के रोज़ के प्लांट है, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, इनमें बंच में फ्लावर्स आते हैं। ये मेरा चाइना का रोज़ प्लांट है, इसमें भी बंच में फ्लावर्स आते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स में कितने सुंदर कलियां आई हुई है। और ये एक ब्लीडिंग हार्ट का
पौधा लगा हुआ है। ये देखिए मेरा पूरा टेरेस गार्डन का व्यू। ये यहाँ पे मैंने पिटूनिया लगाए हुए हैं साइड तरफ, जो कि अभी छोटे हैं। और यहाँ पे एक सदाबहार का प्लांट लगा हुआ है, विन का जिसे बोलते हैं। यहाँ मैंने सीड से ग्रो किए प्लांट्स लगाए हुए हैं, जो कि मैंने एक मंथ पहले ही ग्रो किए थे। ये एक मेरा लोटस का पौधा लगा हुआ है, जो कि मैंने सीड से ग्रो किया हुआ है। और अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ठीक है, अब चलते हैं। थैंक यू।